जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैथ के, वो बना रहे हैं। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, जो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की क्या है जो ट्रेन की लेंथ दे रखी है, कितनी, 600 मीटर। तो जब ये एक खंभे को पार करेगी तो कितने समय में पार करेगी। तो आप एक पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहां से एक ट्रेन चली, ठीक है, यहां से एक ट्रेन चली। जब ये ट्रेन इसको यहां तक पार कर जाएगी, ये आपकी ये वाली ट्रेन जो है कहां आ गई, यहां पे आ गई। तो ये होगा क्या, ये वाली लेंथ तो पार करेगी करेगी, साथ में ये वाली लेंथ भी पार करेगी। मतलब कि ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी। लेकिन जब वो किसी खंभे को पार करती है, मान लीजिए ये पोल है, ये बिजली का है मान लेते हैं, तो ये खंभे को जब पार करेगी, तो देखिए ट्रेन जब ये यहां से चली और जब ये इसको पार की, तो ये क्या पार की, ये सिर्फ अपनी लेंथ को पार की। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने ही डिस्टेंस को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को वो क्या करेगी, पार करेगी। तो आप क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए क्या है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी क्या कर रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितने सेकंड में, 300 सेकंड में। तो देखिए जब वो ट्रेन पार की होगी तो अपनी लंबाई को पार की होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार की होगी, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना पार की होगी, 600 प्लस 900, कितना पार की होगी, 1500। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर की, 1500 मीटर, ठीक है। उसके बाद समय क्या है, टाइम क्या है, 300 सेकेंड हो गया, ठीक। तो 300 सेकेंड अगर इसको हम मिनट में बनाते हैं तो कितना बन जाएगा, 5 मिनट। तो देखिए, तो अगर हम चाल, अगर हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 1500 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5, तो ये कितना हो गया, 300 मीटर प्रति मिनट। अब क्या है, आपको क्या बताना है कि वो पोल को कितने समय पार करेगी। जब पोल को वो पार करेगी तो यानी इसका मतलब क्या, वो अपना डिस्टेंस पार करेगी, तो उसका डिस्टेंस क्या है, ट्रेन का 600, स्पीड क्या है, 300 पर मिनट, और जब हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये काटा, ये क्या हो गया, 2 मिनट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, 2 मिनट। देखिए मैंने यहाँ पे मिनट में इसलिए कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि यहाँ मिनट में ही आंसर था, तो यहाँ मैंने पहले इनके क्या कर लिया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य, मतलब जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 12, मतलब 12 पार्ट में है, और जो विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 7 पार्ट में है, ठीक है। तो आप छूट प्रतिशत बतानी है। तो देखिए जब भी कभी भी कोई छूट होगी तो वो किस पे होती है, मार्क प्राइस पे होती है, और कोई लाभ होगा तो वो किस पे होता है, सीपी पे होता है। लाभ या लॉस, मतलब लाभ या हानि किस पे होगा, सीपी पे होगा, और जब भी कोई छूट होगी वो किस पे होगी, मार्क प्राइस पे होगी। तो मार्क प्राइस अगर मान लेते हैं 12 है, मतलब 12 रुपए है, और उसको छूट, मतलब उसको बेचा गया 7 रुपए में, तो उसको छूट कितने की दी गई, 5 रुपए की, किस पे दी गई, मार्क प्राइस पे। उसका परसेंटेज बताना, 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 500 अपॉन में 12, बात कीजिए 12 चौक 48, 2 20, 12 एकम 12, और 10 में से 8 गया, 12 एकम 12, 10 में 2 गया 8, और 12 छिंग 72, और ये 12 84, तो 41.67 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है, मतलब 500 की राशि 600 हो गई तो उसको ब्याज कितना मिला होगा, 100 रुपए। अब हमको क्या निकालना है, तो ब्याज गुना
सौ, मूलधन कितना है 500, समय कितना है 2, तो ये काटा, ये हो गया 10, तो कितना रेट हो गया 10%। अब इसी राशि को क्या कर दिया, इस ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, दर कितनी थी 10%, तो अब कितनी हो जाएगी 5%। अब 500 की राशि को 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 500 × 5 × 2/100, तो एक काटिए कितना हो गया 50, 50 ब्याज मिला और ये 500 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 550, यही आपको क्या हो गया आंसर, क्योंकि बोल रहा है 500 की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी, तो 500 तो थी, 50 रुपए में ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा 550। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि बहुलक क्या, बहुलक का मतलब होता है कि कोई भी संख्या सबसे ज्यादा हो, मतलब बहुलक मतलब बहुत सारी, इसमें आपको बहुत सारी क्या नजर आ रही है, तो देखिए पहले हम 4 को देखते हैं, 4 कितना, 1 है, 2 है, 2 2 2 3 है, 4 है, तो 4 है, 3 कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 4 से ज्यादा है, 2 कितने, 1 2 3 3 ही है, तो मतलब 3 से मतलब 3 से कम है, 5 2 ही है, तो इसका मतलब बहुलक क्या होगा, 3 हो गया, तो ये 3 आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ए जो है किसी निश्चित दूरी को, कोई डिस्टेंस है, उसको तीन प्रकार की गतियों के साथ तय करता है। पहली क्या करता है, वो 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करता है। अब उसको जो है ए की पूरी यात्रा बतानी है कि मतलब औसत स्पीड क्या रही होगी, ये तो इसकी मतलब जो तीन तरीकों से गया वो कि 3 किलोमीटर इस तरीके से, 6 इस तरीके से, 9 इस तरीके से, लेकिन उसकी टोटल एवरेज जो होगी, जो पूरी यात्रा की गति एवरेज और स्पीड होगी वो पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो गया टाइम, तो ही तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी ना, जो टोटल डिस्टेंस है और जो टाइम लगा है वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितने हैं, ये 3 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर और ये 9 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 9, 6, 15 और 3, 18 किलोमीटर, और ये टाइम कितना लगा, तो देखिए पहला 3 किलोमीटर 9 के हिसाब से, तो 3/9 दूरी बटे समय, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है 6 किलोमीटर 15 के हिसाब से, तो 6/15, तीसरा क्या है 9 किलोमीटर की दूरी कितने के हिसाब से, 18 के हिसाब से, तो ये 9/18, तो इसको काटते हैं, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 6, 3 × 15, 3 × 9, 3 × 6, 18, 3 × 6, तो ये आपका हुआ 18/3 + 2/5 + 1/2, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 × 15 = 30, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, तो आपका टोटल कितना हो गया 18 और ये 30 ऊपर चला जाएगा और बटे में ये कितना है 15 × 12 = 27, 27 × 10 = 37, तो ये कितना हो जाएगा 540/37 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको इसमें आंसर इसी तरह से दे रखा है, अगर इसको आगे बोलता तो आगे करते, तो यही आपका क्या हो गया एवरेज स्पीड हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है, तो अगर हम टोटल संख्या निकालेंगे क्या हो जाएगा 36 × 23, तो ये कितना हो जाएगा 720 और ये 108, 828, 36 × 72, 36 × 108, ठीक है 828 कितने होगी टोटल, होगी टोटल जो नंबर होगा, ठीक है। अब 22 वर्ष की औसत वाले 4 छात्र समूह को छोड़ देते हैं, मतलब अगर टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 × 4, मतलब 88 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 88 घटा दीजिए, तो 0, 4, ये 740 बचा। अब देखिए पहले कितने छात्र थे, 36 छात्र थे, जिसमें से क्या चले गए 4 चले गए, तो बचे कितने 32, तो आप 32 का ही एवरेज निकालिएगा ना, तो 740/32 इसको निकालिए, तो अगर हम 3 से करेंगे 3 × 6 = 96 हो जाएगा, 2 से करेंगे 32 × 2 = 4, 2 × 3 = 64,
तो ये हो जाएगा 0 1, और उसके बाद 32 3 96, ये हो जाएगा 4, फिर 0 32 1 32, तो कितना हो जाएगा 23.1। ये रहा आपका 23.1, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए की ये कुछ वैल्यू दी हुई है, उसके बाद बी की ये दी हुई है और सी की ये, तो ये इनको सॉल्व करके आपको ए प्लस बी माइनस सी निकालना है। तो चलिए पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो ए को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3 / पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना है, 4 2 6 + 4 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6, ये जाएगा 7/2 + 4 में से 2 गया 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 = 7 = 4 = 11/2, ये किसका मान हो गया, ए का। अब बी का देखते हैं, तो बी हो गया आपका 3/6 × 4 + 2 - 2 = 6, तो ये 3 × 6 = 2 × 4, तो 2 और 2 = 4, तो बी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 और 2 = 4, 4 में 6 = 2। अब आते हैं सी पे, सी कितना है 6/2 यानी 3 + 4 = 12 - 2, तो 12 3 15 में से 2 गया 13, तो आपका ए कितना है 11/2, बी कितना है -2, सी कितना है 13, तो जोड़िए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए 11 प्लस बी, तो प्लस बी मतलब यानी माइनस, चलिए इसको बी ऐसे ही रखिए, प्लस बी बी कितना -2 और -13, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11/2 - 2 - 13, तो ये हो जाएगा आपका, दो एलसीएम ले लिए 11 - 4 - 26, तो 26 और 4 30, और 30 में से 11 गया -19/2, तो -19/2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये रहा आपका आंसर 19 - 19/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए किसी पाइप को कितने घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, 11 घंटे में, पाइप बी इसे पूर्ण भरे हुए टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो खाली टैंक को कितने समय भरेंगे, जिस तरह से हम टाइम एंड वर्क करते थे इसी तरह ये इसका भी होगा, तो ए क्या कर रहा है 11 घंटे में भरता है, तो भरने 11 घंटे में भरता है तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये भर रहा है, बी क्या कर रहा है 15 घंटे में खाली कर रहा है, खाली मतलब माइनस, तो इसको माइनस लगाएंगे, तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 165, तो इसका मतलब है कि ये 11 घंटे जो मतलब 165 पार्ट को मतलब एक घंटे में कितना पार्ट भरेगा 15, और ये एक घंटे में कितना पार्ट भरेगा खाली करेगा 11, तो टोटल एक घंटे में कितना पार्ट मतलब भरा जाएगा, 4 पार्ट को वो क्या करेंगे भर लेंगे, 4 पार्ट को भरेंगे। अब ये बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भरा जाएगा, तो खाली टंकी को भरिए तो 16/4, तो इसको जब करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, तो ये हो जाएगा 4 × 16 = 4 × 4 + 4 × 4 + 1 = 4, मतलब 41 × 1/4, लेकिन हमको क्या करना है इसको मिनट में बदलना है, तो इसको 60 से गुना कर दे, तो 4 × 15 = 60, तो कितना हो जाएगा 41 घंटे 15 मिनट, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 41 घंटे 15 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 150 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 150, और बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है 4:1, कितना 4:1, तो मतलब हमारा टोटल कितना पार्ट हुआ 5 पार्ट, जिसमें 4 पार्ट बॉयज का है और 1 पार्ट गर्ल का है, 5 पार्ट हमारा कितने के बराबर है 150 के, तो 1 पार्ट हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 30 के, तो मतलब लड़कियां कितनी हो गई 30 और बॉयज कितने हो गए 120, तो देखिए टोटल 150 हुआ। उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होता है कि x square into
इंटू बी, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 120 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में कितना बार दिया 3600, और तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो 60, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया मेरा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने आपको अभी तक में जो MTS के जो प्रीवियस ईयर के दो सेट मैथ के करवा दिए हैं, जिसमें कितनी टोटल वीडियो हो गई, 4 वीडियो हो गई। अब इसके आगे हम मतलब जितने भी 2000 जो इससे पहले 19 में जितने भी MTS के क्वेश्चन आए थे मैथ के, वो सारे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।